मैं डॉक्टर आरपी सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। आयुर्वेद में दांत में दर्द को दंतशूल कहा गया है। अधिकतर लोग कभी न कभी दांत में दर्द की समस्या से अक्सर ग्रस्त होते हैं। विभिन्न प्रकार के दंत रोगों के कारण दांत में दर्द की शिकायत हो सकती है। दंतशूल के उचित उपचार से पहले इसके कारण की पहचान एवं इससे नियंत्रण करने के लिए सही आयुर्वेदिक चिकित्सा का चयन किया जाता है। आयुर्वेद में दांत के दर्द को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न जड़ी बूटियों, औषधियों और चिकित्साओं का वर्णन किया गया है। दांत में दर्द के आयुर्वेदिक उपचारों में अभियंग, तेल मालिश, गंड्यूस यानी तेल से कुल्ला करना, कवल यानी गरारे और लेप शामिल है। दांत के दर्द को कम करने के लिए जिन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है उसमें नंदी पुष्प, चित्रक, लवंग, नीम, हींग और तुलसी शामिल है। दांत के दर्द के लिए आयुर्वेदिक औषधियों में आमतौर पर जाति पत्रादि गुड़िया, यवनादि चूर्ण, खदिदादि वटी और दसन संस्कार चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद में ऐसे विभिन्न प्रकार के रोगों का वर्णन किया गया है जिसकी वजह से दांत में दर्द हो सकता है। दांत के सामान्य कारणों में दंत रोग और दंतशूल रोग यानी मसूड़ों से संबंधित रोग शामिल हैं। दंत रोग के विभिन्न प्रकार हैं। पहला है खलीवर्धन यानी अकल दाढ़। अमूमन 17 से 21 साल की उम्र में अकल दाढ़ आती है। इसमें बहुत तेज दर्द महसूस होता है। अगला है कृमी दंत यानी दांतों में कीड़े। वात दोष के खराब होने के कारण दांतों में कीड़े लगने लगते हैं जिससे दांत का रंग काला पड़ता है, पड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से दांतों में ढीलापन, सूजन, पानी आना और बहुत तेज दर्द महसूस होता है। अगला है दंत हर्ष यानी दांतों में संवेदनशीलता। ठंडा लगना, हवा, अम्लीयता और सख्त खाद्य पदार्थों को खाने से दिक्कत होना। दंत सरकरा, इसमें दांतों और मसूड़ों के बीच सख्त और अघुलनशील पदार्थ बनने लगता है। विभिन्न तरह के दंतशूल रोग में दंत पुपुटक यानी मसूड़ों का फोड़ा। मसूड़ों पर फोड़ा दांत की जड़ में होता है। इसमें बहुत ज़्यादा सूजन होती है जिसकी वजह से दर्द रहता है। अगला है दंत वेष्ट यानी पायरिया। दंत वेष्ट में दांतों की जड़ में खून और पस निकलती है जिसकी वजह से मुंह में बदबू और दांतों में ढीलापन होने की समस्या भी हो सकती है। अगला है सौसीर यानी जिंजिवाइटिस। सौसीर में मसूड़ों में सूजन और दर्द रहता है। इससे दांतों में ढीलापन रहता है। दांत में दर्द के आयुर्वेदिक इलाज में पहला है अभियंग। अभियंग में प्रभावित हिस्से की औषधि से नियमित मालिश की जाती है। इसका इस्तेमाल प्रमुख तौर पर त्वचा के जरिए शरीर में औषधीय तत्वों को डालने के लिए किया जाता है। ये एजिंग की प्रक्रिया को धीमा और थकान में राहत दिलाने में मदद करता है। अभियंग दांतों और मसूड़ों में दर्द एवं सूजन पैदा करने वाले अतिरिक्त वात को कम करता है। मजिष्ठा और शहद का इस्तेमाल दांत में दर्द से राहत पाने के लिए अव्यंग में किया जाता है। दिन में कई बार शुद्ध लाख से दांतों की मालिश करने से दांत में दर्द से राहत मिलती है। अगला है गंडूस। इस प्रक्रिया में जड़ी बूटियों से बने तरल या तेल को मुंह में इस तरह डाला जाता है कि तरल मुंह में किसी भी ओर जा ना सके। ये कृत्रिम दंत को नियंत्रित करने में उपयोगी है। विभिन्न हर्बल मिश्रणों का इस्तेमाल कृमि दंत में गंडूस के लिए किया जा सकता है। इसमें यौ क्षार यानी जौ के पौधों से बना काढ़ा और बृहती यानी बड़ी कटेरी, कंटकारी यानी छोटी कटेरी, भूख दंत, अरंडी की जड़ और तिल के तेल से बने काढ़े का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है कवल। इस प्रक्रिया में तरल या तेल का इस्तेमाल कुछ समय तक गरारे करने के लिए किया जाता है। कवल में अर्जुन के छाल, खदीरा की लकड़ी, त्रिफला और वीत खदीरा से बना काढ़ा दंत सरकरा को नियंत्रित करने में असरकारी है। दसमूल क्वाथ के साथ तिल के तेल से बने कवल का इस्तेमाल दंत हर्ष में किया जाता है।
अगला है लेप। लेप में हर्बल पेस्ट त्वचा पर लगाया जाता है और जिसमें एक या कई जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है। दांत में दर्द को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न जड़ी बूटियों से लेप तैयार किया जाता है। रोग के कारण एवं रोगी की स्थिति के आधार पर जड़ी बूटियों का चयन किया जाता है। वच, लहसुन और तुलसी का इस्तेमाल दांत में दर्द के इलाज के लिए किया जाता है। अरंडी की टहनी का इस्तेमाल दर्द का कारण बने दांतों में कीड़ों की समस्या के इलाज व बचाव के लिए दातून के रूप में किया जा सकता है। दांत की दर्द की आयुर्वेदिक दवा में पहला है नंदी पुष्प। इस पौधे का इस्तेमाल सजावट के लिए किया जाता है, लेकिन इसकी जड़ दांत में दर्द को नियंत्रित करने में उपयोगी है। इस पौधे के फूलों का इस्तेमाल नेत्र संबंधी रोगों के इलाज में किया जाता है। नंदी पुष्प की छाल में कुछ सक्रिय रासायनिक घटक जैसे कि एल्केलाइड, तगार और चमेली मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल कई रोगों के इलाज में किया जाता है। अगला है चित्रक। चित्रक की लाल और सफ़ेद किस्म कई रोगों को नियंत्रित करने में मददगार है। ये वात और कफ को कम करने एवं दांत में दर्द से राहत दिलाने में असरकारी है। इसे चबाने पर मुंह में लार का स्राव उत्तेजित होता है। इसे पाचक और वायुनाशक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बवासीर को नियंत्रित करने में मदद करती है। भारत की कुछ प्रजातियों के लोग लाल चित्रक का इस्तेमाल गर्भ निरोधक के रूप में भी करते हैं। अगला है लवंग। लवंग में दर्द निवारक, उत्तेजक, कफ निस्सारक, सर्दी खांसी की दवा और कामोत्तेजक गुण पाए जाते हैं। ये दांत में दर्द, साइनस, सिरदर्द, जुखाम, खांसी, अस्थमा, नपुंसकता और अपच को नियंत्रित करने में मदद करती है। अगला है नीम। नीम पाचन को दुरुस्त करती है और इसमें सूजन रोधी एवं घाव को भरने वाले गुण मौजूद होते हैं। ये न सिर्फ त्वचा के घावों को भरती है बल्कि मुंह और दांतों के घावों को भी ठीक करने में मदद करती है। ये वात को बढ़ाती है और पित्त एवं कफ को कम करती है। दांत और मसूड़ों के लिए ये उत्तम रोगाणु रोधक है। कई वर्षों से नीम की टहनी का इस्तेमाल दातून के रूप में किया जा रहा है। ये मसूड़ों के लिए शक्ति बढ़ाने वाली दवा के रूप में भी कार्य करती है। नीम को बेहतरीन रक्त शोधक माना जाता है और इसलिए ये कुष्ठ रोगों के साथ साथ कई रोगों के इलाज में उपयोगी है। अगला है हिंग। हिंगु उत्तेजक, वायुनाशक, ऐठन रोधी, दर्द निवारक और कृमिनाशक गुणों से युक्त है। ये पेट फूलने, दर्द, चिंता और पेट में ऐठन की समस्या को नियंत्रित करने में मदद करती है। हिंगू का इस्तेमाल प्रमुख तौर पर वात रोगों में किया जाता है और इस प्रकार ये अधिक वात के कारण हुए दांत में दर्द के इलाज में उपयोगी है। अगला है तुलसी। तुलसी तंत्रिका, श्वसन और पाचन तंत्र पर कार्य करती है। इसमें दर्द निवारक, रोगाणु रोधी, ऐठन रोधी, जीवाणु रोधी और पसीना लाने वाले गुण मौजूद हैं। ये दर्द और सूजन को कम करती है। मसूड़ों में संक्रमण के इलाज एवं बचाव में तुलसी उपयोगी है। ये संक्रमण दांत में दर्द के प्रमुख कारणों में से एक है। इसके अलावा शरीर से अमा को बाहर निकालने में भी तुलसी उपयोगी है। ये विभिन्न रोगों जैसे कि अर्थराइटिस, नाकबंद और पेट फूलने की समस्या को नियंत्रित करती है। दांत दर्द के लिए मिश्रित आयुर्वेदिक औषधियों में जाति पत्र आदि गुटिका, इसमें जाति पत्र, अजमोद, सोंठ, पुनर्वा, मुस्ता, हरितकी, झिंटी पत्र, वच और तिल के बीज मौजूद हैं। ये मिश्रण कृमि दांत के लक्षणों में सुधार लाता है जिससे दांत में दर्द की शिकायत दूर होती है। इसके अलावा ये दांतों से पस आने और सूजन को भी कम करती है। अगला है यवनादी चूर्ण। इस पाउडर में अजवाइन, हरितकी, हींग, सैंधव, लवण और काला नमक मौजूद है। ये दांत में दर्द के इलाज में उपयोगी है। कई प्रकार के संक्रमणों और दांतों की संवेदनशीलता की वजह से मुंह से बदबू आने की समस्या इस औषधि से दूर हो जाती है। खदिरादी वटी। अगला है खदिरादी वटी। इस मिश्रण में कई सामग्रियां जैसे कि खरीदा, खैर, लाल गेरू, चंदन, मुलेठी, पीली वाइन, त्रिफला, जायफल, लौंग, कपूर आदि मौजूद हैं। ये दांत में दर्द, मुंह और मसूड़ों में सूजन एवं मसूड़ों से खून आने की समस्या को नियंत्रित करती है। मुंह की सड़न को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल शहद के साथ किया जाता है। इसे आप मसल कर या गुनगुने पानी में गरारे भी कर सकते हैं। अगला है दसन संस्कार चूर्ण।
दसन संस्कार चूर्ण में सुंथी हरितकी, मुस्ता, कपूर, मरीच और लौंग मौजूद हैं। इसका इस्तेमाल दांतों पर पाउडर के रूप में कर सकते हैं। इसे कुछ मिनट के लिए मुंह में रखें और फिर थूक दें। दंत रोग और मुख रोग को नियंत्रित करने में दसन संस्कार चूर्ण उपयोगी है। दांतों में फोड़े और इसके कारण होने वाले दर्द को ठीक करने में दसन संस्कार चूर्ण को क्लोरहेक्सीडीन से ज़्यादा असरकारी माना गया है। क्लोरहेक्सीडीन के कुछ दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे कि दांतों और जीभ पर धब्बा पड़ना या स्वाद बदलना, लेकिन दसन संस्कार चूर्ण के कोई हानिकारक प्रभाव नहीं है। व्यक्ति की प्रकृति और कई कारणों के आधार पर चिकित्सा पद्धति निर्धारित की जाती है। अतः अपनी प्रकृति को जानें और दवा का इस्तेमाल करें। धन्यवाद।